नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबका फिल्मी थिंकर के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ साउथ की 8 ऐसी खतरनाक साइको किलर पर बनी फिल्में जो आपका दिमाग हिला कर रख देने की ताकत रखती है। दोस्तों इन सभी फिल्मों में आपको खतरनाक साइको किलर के साथ साथ जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिल का भी एक्सपीरियंस होने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के इस वीडियो की सभी फिल्में आपको हिंदी में यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी। मगर दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, इनमें से कुछ फिल्में ऐसी है जो अवेलेबल है तो कॉपीराइट की वजह से वो कभी भी रिमूव हो सकती है, तो आप जल्द से जल्द देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 8 पर आती है 2021 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन और साइको थ्रिलर वाली फिल्म इराई थेडल। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में कृष्णजीत और सुप्रिया रवि के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि एक साइको किलर होता है जिसे खोजने के लिए एक पुलिस ऑफिसर निकल पड़ता है, लेकिन उसे खोजने में चैलेंज ये होती है कि उसे बिना किसी फोटो आईडी के ढूंढना होता है। दोस्तों अब आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। दोस्तों फिल्म की कहानी काफी अच्छी है, तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिल्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 थी। और उसके बाद नंबर 7 पर आती है 2020 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक साइको थ्रिलर वाली फिल्म मारी जुआना। इस फिल्म को हिंदी में गांजा गैंग के नाम से रिलीज किया गया था। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में ऋषि ऋत्विक और आशा परिथोलम के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि एक मंत्री के बेटे और एक थिएटर कर्मचारी की रहस्यमय तरीके से हत्या हो जाती है, लेकिन फिल्म की कहानी में ट्विस्ट तब देखने को मिलता है जब एक इंस्पेक्टर ऋषि इस मामले की गहराई से जांच शुरू करता है। दोस्तों अब आगे कहानी में देखना यह होता है कि आखिर उन हत्या के पीछे कौन होता है और फिल्म की कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिल्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। और उसके बाद नंबर 6 पर आती है 2018 में रिलीज हुई मलयालम लैंग्वेज की एक बेहतरीन एक्शन और साइको थ्रिलर वाली फिल्म अब्राहम इन द संतेतिकल। इस फिल्म को हिंदी में बब्बर द पुलिस के नाम से रिलीज किया गया था। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में ममूटी, अंशुल पॉल और कन्हैया के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी में एक ईमानदार पुलिसकर्मी को दिखाया गया है जो अनिच्छा से अपने भाई को गिरफ्तार कर लेता है जिस पर उसके प्रेमी की हत्या का आरोप लगाया गया है, लेकिन फिल्म की कहानी में ट्विस्ट तब देखने को मिलता है जब उसे पता चलता है कि वह निर्दोष है और बाद में वो अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों अब आगे कहानी में देखना यह होता है कि आखिर उस मर्डर के पीछे की मिस्ट्री क्या होती है और फिल्म की कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको यह मूवी देखनी होगी। दोस्तों फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो आपको आखिर तक एंगेज रखने में कामयाब होती है। तो अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया है तो फिल्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.4 आउट ऑफ 10 थी और 90% गूगल यूजर्स द्वारा इस फिल्म को पसंद किया गया था। और उसके बाद नंबर 5 पर आती है 2021 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक बेहतरीन एक्शन और साइको थ्रिलर वाली फिल्म मिरुगा। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में श्रीकांत और राय लक्ष्मी के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि कोटागिरी में वन अधिकारी एक आदमखोर बाघ को खोज रहे होते हैं जो निर्दोष लोगों पर हमला कर रहा होता है और साथ ही एक सीरियल किलर के द्वारा कुछ अविवाहित महिलाओं का मर्डर हो रहा होता है। दोस्तों आगे कहानी में देखना यह होता है कि आखिर उन मर्डर के पीछे का साइको किलर कौन होता है और आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिल्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म की IMDb रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 10 थी और 69% गूगल यूजर्स द्वारा इस फिल्म को पसंद किया गया था। और उसके बाद नंबर 4 पर आती है 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक बेहतरीन ड्रामा और साइको थ्रिलर वाली फिल्म गथम। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में भार्गव पोलुदासु और पूजिता कुरापार्थी के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि एक कपल रोड ट्रिप पर निकलता है, लेकिन बीच में उनकी कार खराब हो जाने की वजह से वो लोग फंस जाते हैं। बाद में जल्दी वो लोग एक अजनबी से मदद लेते हैं, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान होते हैं कि वह जिससे मदद ले रहे हैं वो एक साइकोपैथ होता है।
दोस्तों अब आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। दोस्तों फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो आपको आखिर तक एंगेज रखने में कामयाब होती है। तो अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया है तो फिल्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म की IMDb रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 थी और 78% गूगल यूजर्स द्वारा इस फिल्म को पसंद किया गया था। और उसके बाद नंबर 3 पर आती है 2020 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर वाली फिल्म साइको। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में उदयनिधि स्टैलिन, अदिति राव हैदरी और नित्या मेनन के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि एक रेडियो जॉकी लड़की का एक साइकोपैथ के द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और उसका प्रेमी गौतम अंधेपन की वजह से उसे बचाने में विफल रहता है। लेकिन फिल्म की कहानी में ट्विस्ट तब देखने को मिलता है जब वह एक पुलिस अधिकारी की मदद लेकर उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों आगे कहानी में देखना यह होता है कि आखिर वो साइकोपैथ कौन होता है और फिल्म की कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। दोस्तों ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप इस मूवी को ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो ये मूवी यूट्यूब पर ही अवेलेबल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म की IMDb रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 थी और 76% गूगल यूजर्स द्वारा इस फिल्म को पसंद किया गया था। और उसके बाद नंबर 2 पर आती है 2017 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक बेहतरीन एक्शन और साइको थ्रिलर वाली फिल्म नींबूनान। इस फिल्म को हिंदी में इंटेलिजेंट के नाम से रिलीज किया गया था और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में अर्जुन सरजा, प्रसन्ना और वरलक्ष्मी शरद कुमार के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी में एक ऐसे साइको किलर को दिखाया गया है जो कुछ निर्दोष लोगों की हत्याएं बहुत ही भयानक तरीके से कर रहा होता है और वो मर्डर करने के बाद एक साइन भी छोड़ देता है। लेकिन फिल्म की कहानी में ट्विस्ट तब देखने को मिलता है जब एक DSP अपने साथ दो पुलिस अधिकारियों को लेकर उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों आगे कहानी में देखना ये होता है कि आखिर वो साइको किलर कौन होता है और क्या वो लोग उसे पकड़ पाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। दोस्तों फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो आपको आखिर तक देखने के लिए मजबूर कर देती है। तो अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया है तो फिल्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म की IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 थी और 81% गूगल यूजर्स द्वारा इस फिल्म को पसंद किया गया था। और उसके बाद नंबर 1 पर आती है 2018 में रिलीज हुई कन्नड़ा लैंग्वेज की एक बेहतरीन एक्शन और क्राइम थ्रिलर वाली फिल्म त्राटका। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राहुल आयनापुर और हृदय अवंती के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि एक ACP के भाई की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और वो इस मामले को सुलझाने और हत्यारे को सजा देने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो इस मामले की गहराई को जानने की कोशिश करता है तो उसे अन्य कई हत्याओं की एक श्रृंखला नजर आती है जो उसे एक साइको किलर की ओर ले जाती है। दोस्तों अब आगे कहानी में देखना ये होता है कि आखिर वो साइको किलर कौन होता है और क्या वो ACP उसे पकड़ पाने में कामयाब हो पाता है या नहीं ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। दोस्तों फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो आपको आखिर तक उलझा कर रखने का काम करती है। तो अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया है तो फिल्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.3 आउट ऑफ 10 थी और 94% गूगल यूजर्स द्वारा इस फिल्म को पसंद किया गया था। दोस्तों तो यही थी साउथ की बेहतरीन साइको किलर पर बनी 8 फिल्में। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज के इस वीडियो में की हुई थोड़ी सी मेहनत आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। और आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।